देखिए, सबसे पहले तो विश्वास जो जताया गया है, इस बात को मैं क्लियर करता हूँ, ये विश्वास जो है आम जनता का है, भरोसा आम जनता का है, आम जनता का प्यार है, कार्यकर्ताओं का प्यार है और आम जनता और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। और ये टिकट जो है ये उन सभी कार्यकर्ताओं को और आम जनता को समर्पित है। और मोदी जी ने जो विश्वास जताया है उसके उनके लिए मैं उनका कर्तव्य हूँ, धन्यवाद हूँ। लेकिन उन्होंने पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, सभी आम जनता के, उनके भरोसे के आधार पे, उनके विश्वास के आधार पे, उनके आशीर्वाद के आधार पे तीसरी बार मेरे पे विश्वास जताया। और मैंने ये मैं आपको बता दूँ, पिछले 10 सालों में जो हमने पाली लोकसभा क्षेत्र में काम किया, मैं ये बता दूँ, मुझे लगता कि बहुत कम लोग होंगे ऐसे आज तक जो मैंने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड करीब 22 लाख मतदाताओं को उनके नाम से उनके मोबाइल पे उनको भेजा कि 10 साल में हमने ये किया और पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने रखा। उन्होंने उसको सराहा और यही कारण है कि आम जनता की आवाज़ जो है मोदी जी तक पहुंची और उन्हीं का भरोसा जो मोदी जी तक पहुँचा, उनका प्यार और आशीर्वाद आम जनता का मोदी जी तक पहुँचा है। और तीसरी बार मुझे ये मौका मिला है और जिस हिसाब से पाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 23,000 करोड़ का पिछले 10 सालों में काम हुआ, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा, जो अगले 5 सालों में और भी ज़्यादा काम होंगे, क्योंकि जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर आने वाली है तो हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर तब आती है जब गाँव में विकास के काम हो। और आने वाले टाइम में कोई, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में अभी भी खूब काम हुए मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में, पाली लोकसभा क्षेत्र पूरे में, लेकिन आने वाले टाइम में जल जीवन मिशन का काम पूरा होगा, रोडों का जाल जो बिछेगा, क्वालिटी की रोड बनेगी, बिजली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन होगा, रेलवे के क्षेत्र में तो आप परिवर्तन देख ही रहे हैं कि रेलवे में एक समय था 2013 तक राजस्थान का बजट जो था वो 663 करोड़ था सिर्फ, और अब रेलवे का बजट राजस्थान का 9,300 करोड़ का 2023-24 में, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। और रेलवे तो जो मारवाड़ जंक्शन है, रेलवे जंक्शन एक है जो कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर पर आया हुआ है, आने वाले समय में यहाँ पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। और हम भी चाहेंगे कि मारवाड़ में खूब विकास हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, तो इसीलिए इस क्षेत्र का विकास होना बिल्कुल सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और मोदी जी जो हैं वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र का ज़बरदस्त विकास हो, और यही कारण है कि मोदी जी जो हैं, हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370, तो ये सीटें जो हैं ये आम जनता की आवाज़ है। आप देखते हैं पूरे क्षेत्र में माहौल जो है बिल्कुल एक तरफ हुआ है, राममय माहौल हुआ है, और राम राज्य लाने के लिए मोदी जी जो है कुछ प्रयास पूरा करेंगे और भारत में ऐसा राम राज्य स्थापित हो कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबको रोजगार मिले, ये सोच प्रधानमंत्री मोदी। इन 10 सालों के अंदर प्रमुख उपलब्धियां क्या मानते हैं आप? देखिए 10 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि के अगर मान लो 140 करोड़ देश में अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल जाए, जो कि गरीबी में थी, एक देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब चाहे सीधा रोजगार हो, चाहे डायरेक्ट रोजगार हो, चाहे इनडायरेक्ट रोजगार हो, तो वो रोजगार जो है आम जन को मिला है। और आम जन की स्थिति जो है, एक आप 10 साल पहले की देखो और 10 साल अभी देखो, आज आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ कर रहे हैं, अगर ये मोदी जी का कमाल नहीं होता तो दूसरे देशों में आप यूज़ करके देखो, आपके 6,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एक मोबाइल दार के अगर 6,000 रुपया आता है तो 72,000 रुपया आपको मोबाइल के खर्च करने पड़ते, नहीं तो उनके दूरदर्शी से सैटेलाइट वगैरह हमने बढ़ा करके ऊपर भेजे हैं, तो आज सैटेलाइट की वजह से आज मोबाइल का जो है डेटा सबसे कम है तो वो भारत में है, सबसे कम चार्जेज हैं तो भारत में है, और डेटा जो है बहुत क्वालिटी का मिलता है और स्पीड भी हमारी 5G की है। तो इसीलिए मोदी जी की सोच दूरदर्शी, जब हम चाहते हैं कि विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो जब अर्थव्यवस्था जब तीसरी बनेंगे तो फिर सारा का सारा विकास भी होगा, गाँव का विकास भी होगा, शहरों का विकास भी होगा, और आम जन का जो समाज के अंतिम छोर पर जो लोग बैठे हैं उनका भी विकास होगा।